प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये तीन परिवार जम्मू कश्मीर की बर्बादी के जिम्मेदार हैं और उन्होंने राज्य को डर और अराजकता का सामना कराया है। मोदी ने बंपर मतदान के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई दी और आशा जताई कि आगामी मतदान में यही उत्साह बना रहेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज का युवा इन तीन खानदानों को चुनौती दे रहा है जो पहले उनकी प्रगति में बाधा डालते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार बिना दहशतगर्दी के चुनाव हो रहा है जो एक सकारात्मक बदलाव है। उन्होंने कश्मीरी युवाओं की शिक्षा और भविष्य को बर्बाद करने के लिए इन परिवारों को जिम्मेदार ठहराया और विकास पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं पिछली बार आया था तब कहा था कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में तीन खानदान जिम्मेदार हैं। तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक भड़के हुए हैं। इन तीन खानदानों को लगता है कि जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका जायक हक है और महरूम रखना इनकी सियासी एजेंडा रहा। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ डर और अराजकता दी है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन तीन खानदानों के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। श्रीनगर में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, बंपर मतदान इसकी बानगी है। आज यहाँ का नौजवान इन तीन खानदानों को चैलेंज कर रहा है। इन्होंने नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, वहीं अब ये नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। इन तीन खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने भोगा है, तकलीफ सही है। वो अक्सर बाहर नहीं आ पाया। आज घाटी का नौजवान जो 25-30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह चुके हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें 10वीं 12वीं या कॉलेज में पहुंचने में देश के अन्य नौजवानों से ज़्यादा समय लगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, NC और PDP के तीन खानदान फैले हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने श्रीनगर में क्या संबोधित किया। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन तीन खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती। आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, IIT ये बनने की खबरें आ रही है। इन तीन खानदानों ने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए नफरत का सामान बेचा। कश्मीर में स्कूल जलाए गए, जो स्कूल भी थे वो आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। जो स्कूल कॉलेज बच गए वहां भी कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाई। हमारे नौजवान पढ़ाई से दूर रहे और ये तीन खानदान उनके हाथों में पत्थर थमा कर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। ये पहली बार हुआ जब बिना दहशतगर्दी के जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। पहले यहाँ ऐसे हालात थे कि शाम 5 बजे घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में हमने भयमुक्त माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आज कश्मीर भाई बहन खुशामदीद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।